आप देख रहे हैं हरियाणा हलचल, मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। चलिए सीधा रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रिंस हत्याकांड मामले में अब सीबीआई ने गुरुग्राम पुलिस को लेटर जारी किया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर मामले में सीबीआई ने अब गुरुग्राम पुलिस को लेटर जारी किया है, दिशा निर्देश दिए गए हैं और इसी के साथ सब इंस्पेक्टर, ईएसआई और फोरेंसिक मेंबर्स को भी ये लेटर जारी किया गया है। तो जांच में सहयोग के लिए ये लेटर जारी किया गया है, जो कि सीबीआई की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें गुरुग्राम पुलिस का सहयोग भी मांगा गया है। हत्याकांड जांच की एसआईटी में शामिल रहने के आदेश भी दिए गए हैं। तो लेटर अब जारी कर दिया गया है। 8 सितंबर को रियान स्कूल में प्रिंस की हत्या हुई थी, उसी मामले के चलते अब सीबीआई मामले की जांच कर रही है और गुरुग्राम पुलिस को लेटर जारी किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर प्रिंस हत्याकांड मामले में अब सीबीआई ने गुरुग्राम पुलिस को लेटर जारी किया है और साथ ही साथ जांच में सहयोग करने की भी बात कही है। तो ज्यादा जानकारी के लिए गुरुग्राम से हमारे संवाददाता गुलशन ग्रोवर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गुलशन, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, अब सीबीआई ने गुड़गांव पुलिस को एक लेटर जारी किया है, जिसमें उन्होंने जांच में सहयोग के लिए बात कही है, क्योंकि इस जब प्रिंस हत्याकांड हुआ था, जो कि 8 सितंबर 2017 को, उस समय गुड़गांव पुलिस ने एक एसआईटी टीम का गठन किया था, जो इस पूरे मामले की पैरवी कर रही थी और जो इस पूरे मामले को देख रही थी। हालांकि उसमें गुड़गांव पुलिस ने पहले कलेक्टर अशोक को जो है इसमें दोषी करार दिया था, लेकिन जब ये मामला सीबीआई के पास पहुंचा तो सीबीआई ने आरोपी भोलू को जो है इस पूरे मामले में जो है आरोपी बनाया था। तो अब फिलहाल इस पूरे मामले में इंस्पेक्टर, एएसआई और टीम जितने भी फोरेंसिक मेंबर थे एसआईटी में, उन सबको जो है एक लेटर जारी किया है, जिसको लेकर अभी 11 बजे जो है कुछ ही देर में गुड़गांव पुलिस कमिश्नर भी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्योंकि वो भी मीडिया से इस बारे में रूबरू हो रहे हैं कि जो सीबीआई ने गुड़गांव पुलिस को लेटर जारी किया है उसके बारे में अब उनका क्या कहना है, ये थोड़ी देर बाद हम दर्शकों को बता पाएंगे। जी गुलशन, कह सकते हैं कि इस मामले की ज्यादा गहनता से जांच करने के लिए अब सीबीआई ने ये लेटर जारी किया है? देखिए बिल्कुल, क्योंकि ये मामला काफी स्थूल पकड़ गया था और इसीलिए जब ये मामला सीबीआई के पास पहुंचा तो काफी जो है उसके बाद सामने आए थे। और किसे ये लेटर जारी किया गया है गुरुग्राम पुलिस के अलावा? देखिए फिलहाल गुड़गांव पुलिस को ही लेटर जारी किया है, क्योंकि इसमें जो है पुलिसिया जांच में सीबीआई ने जिला अदालत में जो है एक जो चार्जशीट पेश की थी, उस पर भी जो है उन्होंने गंभीर सवाल उठाया कि जो चार्जशीट उन्होंने पेश की थी वो गलत थी। हालांकि अभी सीबीआई की तरफ से चार्जशीट पेश नहीं हुई है, क्योंकि अभी कल जो है सेशन कोर्ट गुड़गांव जिला अदालत में भी सुनवाई हुई थी, लेकिन उसमें सीबीआई के वकील और साथ में जो आरोपी भोलू के वकील वो नहीं पहुंच पाए थे, जिसकी तारीख जो है बदल दी गई थी। अब 6, 9, 13 अप्रैल को जो है सुनवाई होनी है। तो आज गुड़गांव पुलिस को जो लेटर जारी किया है, आखिरकार किस संदर्भ में किया है, क्योंकि ये लेटर जो है कहीं ना कहीं खुद गुड़गांव पुलिस कमिश्नर के पास भी आया होगा और इसलिए पुलिस कमिश्नर इस बारे में मीडिया से रूबरू हो रहे हैं और कुछ ही मिनट में जो है वो मीडिया से रूबरू होंगे। चलिए गुलशन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए। तो प्रिंस हत्याकांड मामले में 8 सितंबर को, आपको बता दें, याद करा दें, रियान स्कूल में एक बच्चे की मौत हुई थी, जिसके चलते अब सीबीआई मामले की गहनता से जांच कर रही है और इसी को लेकर अब गुरुग्राम पुलिस को लेटर भी जारी किया गया है। कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी, मीडिया से भी रूबरू होंगे। तो प्रिंस हत्याकांड मामले में अब पूरी गहनता से जांच की जा रही है और मामले में सीबीआई ने गुरुग्राम पुलिस को लेटर जारी कर दिया है। जांच में सहयोग की बात उन्होंने कही है और सब इंस्पेक्टर, ईएसआई और फोरेंसिक मेंबर को भी लेटर जारी किया गया है।